नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे जो कि राज्यसभा और लोकसभा से मंजूर हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। अब इन्हें इंतजार है राष्ट्रपति जी के मुहर की, यानी कि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून में आ जाएंगे और ये कानून लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें ईपीएफ ईएसआईसी ग्रेच्युटी से भी जुड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें भी कुछ नए बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 3 विधेयक पेश किए गए थे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दोस्तों ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। दोस्तों, सरकार जो है अपने श्रम कानून में इसलिए बदलाव लाने जा रही है क्योंकि हमारे देश का जो श्रम कानून है वो 65-70 साल पुराना है और उसमें जो कानूनों की संख्या है वो 29 है। तो 29 कानूनों को यहाँ पर कन्वर्ट करके 4 कोड में जो है तब्दील किया जा रहा है, समाहित किया जा रहा है, जिससे श्रम कानून थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है पीएफ ईएसआईसी ग्रेच्युटी को लेकर। तो जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में जो मेंशन है वो है ग्रेच्युटी को लेकर। दोस्तों, आपको बता दूं, ग्रेच्युटी उन कंपनियों के तहत मिलती है जिन कंपनियों में 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड हैं, और उन कर्मचारियों को मिलता है उनमें से जिन कर्मचारियों ने उस कंपनी में लगातार 5 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है। तो इस लंबी सर्विस के बदले में उसके नियोक्ता द्वारा, कंपनी के द्वारा जो है एक पुरस्कार दिया जाता है, समझ लीजिए, जिसे आप ग्रेजुएटी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद ग्रेजुएटी का एक्ट जो है उसका नियम पूरा बदल जाएगा। इसमें जो अब आपको 5 साल की इंतजार करनी पड़ती है, 5 साल की सर्विस जरूरी पड़ती है, वो सर्विस जरूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेच्युटी का हकदार बनने के लिए जो 5 साल की सर्विस जरूरी है वो जरूरी नहीं रहेगी। आपकी चाहे 1 साल की सर्विस हो, 2 साल की हो, 2.5 साल की हो, आप तब भी जो है ग्रेच्युटी के हकदार बन सकते हैं और आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना यह है कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हों, उन सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का हक मिलना चाहिए। चाहे उन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 10 वर्कर हों, चाहे 20 वर्कर हों, चाहे 10 से कम वर्कर हों। तो यहां पर दोस्तों सारी तरह के नियम पूरी पलट जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, दूसरा जो कानून यहाँ पर बनाने पर लगी है केंद्र सरकार और उस पर जो है भरपूर कोशिश कर रही है ईपीएफ ईएसआईसी को लेकर। ईपीएफ ईएसआईसी अभी उन्हीं कंपनियों के ऊपर लागू होता है जो इसके नियम को पालन करते हैं, जैसे कि ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत उन्हीं कंपनियों को ईपीएफओ का लाभ मिलता है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत वही कंपनियां ईएसआईसी का लाभ लेते हैं जिनमें कम से कम 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार अभी कोशिश कर रही है कि इसे भी सभी क्षेत्रों के लिए लागू कर दिया जाए जिसमें सभी तरह के वर्कर इसमें शामिल हो सकें। तीसरा जो महत्वपूर्ण कानून मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर इसका हालांकि पुरजोर विरोध हो रहा है, इसके तहत अगर ये कानून आ जाता है तो उन सभी कंपनियों को जिनके अंतर्गत 300 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन कंपनियों के पास ये अधिकार रहेगा कि वो सरकार की बिना अनुमति के छंटनी कर सकते हैं। इसका मतलब कि किसी भी वक्त किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकते हैं, नौकरी पे रख सकते हैं, उनको किसी खास तरह के एक्ट का पालन करना नहीं पड़ेगा। इसकी पहले लिमिट थी 100 कर्मचारियों तक की, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक की कर दी गई है। इसका हालांकि पुरजोर विरोध किया जा रहा है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को मिलने वाली शक्ति का हनन हो सकता है, और ऐसे में इसके अंतर्गत जो भी कंपनियां आती हैं तो वो जो है अपने कर्मचारियों को बेवजह किसी भी वजह से जो है नौकरी से निकाल सकती हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिन्हें मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं बता सकता, लेकिन उन सभी पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इन सारे पॉइंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ईपीएफओ ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने अपने फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है जहां से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए उन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं।
इसके अलावा दोस्तों केंद्र सरकार ये सभी बदलाव भी करने पर अभी जोर दे रही है, जिसमें आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं। सबसे पहला है, नौकरी छूटने पर री स्किलिंग के लिए 15 दिन की तनख्वाह मिलेगी। किसी हादसे में पीड़ित श्रमिक की शारीरिक क्षति की भरपाई के साथ ही नियोक्ता पर लगाए जुर्माने का आधा हिस्सा भी श्रमिकों को मिलेगा। सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, सभी श्रमिकों को समय पर वेतन की गारंटी, पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान वेतन, न्यूनतम फ्लोर वेज का प्रावधान, श्रमिकों का साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप, हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, महिला श्रमिकों को सभी क्षेत्रों में काम की इजाज़त, प्रवासी श्रमिक को हर साल एक बार घर जाने के लिए मिलेगा प्रवास भत्ता, ट्रिब्यूनल में श्रमिकों के केस का न्याय एक साल में होगा, जल्दी न्याय देने के लिए ट्रिब्यूनल में होंगे 2 सदस्य, ट्रिब्यूनल श्रमिकों को ट्रिब्यूनल से जल्दी न्याय दिलवाने की सुविधा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये था यहाँ पर कुछ नए बदलाव श्रम कानून को लेकर जो है किए जा रहे हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा कानून जो है बदलाव होना चाहिए, कौन सा कानून लागू होना चाहिए जिससे सभी इम्प्लॉइज को जो है इसका लाभ मिल सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।